हेलो गाइज, वेलकम टू बेंटन मीडिया यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए एंड गाइज आगे भी बढ़िया रहे। गाइज आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बेन को ओमनीट्रिक्स रॉन्ग एलियन यानी कि गलत एलियन देता है। गाइज हमने बेंटन की सीरीज में काफ़ी बार देखा है कि जो ओमनीट्रिक्स है वो बेन को काफ़ी बार रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइज इसके कुछ तीन रीजंस है कि क्यों ओमनीट्रिक्स बेन को गलत एलियन यानी कि रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो बात करते हैं पहले रीजन नंबर वन की। गाइज आप सबको पता ही होगा कि जितने भी ओमनीट्रिक्स हमें अब तक देखने को मिले हैं उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक ऐसा फीचर जो बेन को हमेशा सिचुएशन के हिसाब से एक सही एलियन देता है। मतलब कि जैसी सिचुएशन उसी हिसाब का एक ऐसा एलियन जो उस सिचुएशन में काम आ सके। एंड गाइज इसीलिए बेन को हमेशा रॉन्ग एलियन मिलता है ओमनीट्रिक्स से, बल्कि वो रॉन्ग एलियन होता ही नहीं है, वो हमेशा सही एलियन होता है सिचुएशन के हिसाब से। अब बात करते हैं रीजन नंबर टू की। गाइस जो रीजन नंबर टू है वो ये है कि जो बेन है वो ओमनीट्रिक्स को काफ़ी हार्डली प्रेस करता है, यानी कि काफ़ी तेज़ प्रेस करता है। ऐसा एजमत ने भी बोल रखा है कि ओमनीट्रिक्स को ज़्यादा तेज़ प्रेस करने की वजह से एलियन फंक्शन रैंडमाइज हो जाता है। अब बात करते हैं रीज़न नंबर थ्री की। गाइस जो रीज़न नंबर थ्री है वो ये है कि बेन खुद ही रॉन्ग एलियन को सिलेक्ट करता है कई बार। ऐसा बेन भी कई बार करता है कि वो खुद ही रॉन्ग एलियन सिलेक्ट करता है और बाद में ओमनीट्रिक्स को दोष देता है। एंड गाइस आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो कंप्लीट ओमनीट्रिक्स थी उसमें हमें सिर्फ एक एलियन डिस्क देखने को मिलती थी जिस पे एलियंस के फेस के होलोग्राम्स आते थे और बेन को उन्हीं होलोग्राम्स में से एलियंस को सिलेक्ट करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होना होता था। लेकिन इस वजह से बेन को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि बेन सही एलियन कभी सिलेक्ट कर ही नहीं पाता था सिर्फ और सिर्फ एलियंस की फेस देखकर। और ऐसा भी नहीं है कि ओमनीट्रिक्स हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सही एलियन देता है बेन को। एक बार ओमनीट्रिक्स ने बेन को दिन के टाइम में वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एंड गाइज जब बेन को पुराने वाले ओमनीट्रिक्स से जो फंक्शंस थे उसमें बेन को पूरी बॉडी दिखती थी एलियंस के होलोग्राम में। गाइज अब बात करते हैं कि कौन से रीज़न का सच्चे होने का ज़्यादा चांसेस है। सो गाइज मेरे हिसाब से तो यार कि रीज़न नंबर वन के ही सही होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो ओमनीट्रिक्स है वो यूज़र को हमेशा सिचुएशन के हिसाब से एक सही एलियन ही देता है और ये हमें बेंटन सीरीज़ में हमेशा देखने को मिला है। एंड गाइज यहीं पर होता है वीडियो का एंड। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ओमनीट्रिक्स बेन को गलत एलियन देता है। गाइज मैं आपको मिलूंगा ऐसी नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मैंने कोई मास्टर कंट्रोल जैसा कुछ खोल दिया है।